गुड मॉर्निंग क्लास, आई एम सॉरी फॉर द लेट. सो बेसिकली व्हाट वी विल डिस्कस द पोएम रेन ऑन रूफ. Rain on the Roof, Part 2. This poem is written by Coates Kenny. Page number 41. सो क्या चीज़ कही जा रही है यहाँ पे? सिंपली पेज नंबर 41 पे हम लोगों ने फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ लिया हुआ था, जिसमें क्या कहा जा रहा था कि व्हेन द ह्यूमिड शेडोज ऑल ओवर द, मतलब सिंपली एक एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ कि वहाँ पे ये कहा जा रहा था कि जब बारिशें हो रही हैं और वो बारिशें क्या कर रही हैं हमारे आसपास के स्फीयर पे दिख रही है, वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रही हैं और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि क्लाउड्स बिल्कुल डार्क हो गए हैं, वो अपने टीयर्स गिरा रहे हैं इन फॉर्म ऑफ रेन वाटर. आगे ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड एंड द लिसनिंग टू द पैटर्न ऑफ द रूफ ऑफ ओवरहेड. मतलब उन्होंने कहा कि जब नरेटर क्या कर रहा है, अपने बेड पे पड़ा हुआ है और अपने ऊपर से वाटर के ड्रॉपलेट्स को गिरते हुए फील कर रहा है, देख रहा है, तो उसका ये कहने का मतलब था सिंपली कि जब उन्होंने उस पैटर्न को, मतलब वाटर रेन जब गिरता है, रेन वाटर जब गिरता है तो उसका एक पैटर्न होता है, पानी बरसता है एक पैटर्न के साथ. ये नहीं कि कभी एक बूंदे गिरी, कभी एक बूंद, एक पैटर्न यानी कि एक रो वाइज गिरता है. सो वही चीज़ें उन्होंने कहा कि उस पैटर्न को जब उन्होंने सुना तो दैट वॉज रियली रियली मेकिंग हिम काम फ्रॉम द माइंड एंड दैट वॉज रियली रियली गुड फॉर हिमसेल्फ. सो नाउ ई एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स, मतलब कह सकते हैं अगर किसी शिंगल्स का मतलब होता है कि
किसी जैसे शिंगल्स मीन एक टाइप का स्किन डिसीज, तो उसमें क्या है कि छोटे छोटे टिंकल का मतलब होता है चमकना, तो जब शाइन मतलब उनका ये कहना था कि भले लोगों को स्किन की डिसीजेज होती है पर कहीं ना कहीं उनके अंदर एक चमक भी होती है और उनके मन में एक ईगो होता है, एक अच्छाई होती है, उनके दिल में एक अच्छाई होती है ताकि वो अपने बीमारी से आगे बढ़कर अपने अंदर की अच्छाई को, अपने अंदर की खूबसूरती को देख सके, राइट। और हर एक इंसान ये चाहता है कि हम लाइफ में अपनी ब्यूटीफुल डेज बिताए, अच्छे से जिए, एक अच्छी लाइफ मिले, स्टेबल लाइफ मिले, सबको शांति चाहिए, भले चाहे जितना भी किसी के पास पावर और मनी हो, पर हर एक इंसान को स्टेबिलिटी की ज़रूरत है अपने लाइफ में। सुनाओ। एंड थाउजेंड्स ऑफ ड्रीमी फैंसीज इन टू बिजी बींग स्टार्ट, मतलब कह सकते हैं बहुत सारे हम सपने देखते हैं, ऐसे सपने कल्पनाशील जिसे हम इमेजिन करते हैं, जिसे हम चाहते हैं कि वो पूरे हो या सच हो, तो ऐसे सपने क्या हैं? जब सच में हमें उस पर काम करना पड़ता है, हम उस पर बिजी होते हैं, तो हम बेसिकली ये चीज़ देखते हैं कि वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट तो है, स्ट्रगल सबको करना पड़ता है, पर हर एक का स्ट्रगल अपना अपना अलग अलग होता है, राइट। आगे क्या कहा जा रहा है, आगे ये कहा जा रहा है, एंड अ थाउजेंड रिकलेक्शन वीव देयर ए थ्रेड इन टू द वूफ, मतलब बहुत सारे जो हम लोग कलेक्शंस करते हैं किसी भी चीज़ की, मान लीजिए थाउजेंड्स ऑफ रिकलेक्शंस, हम छोटी छोटी चीज़ों की रिकलेक्शंस करते हैं, उन्हें देखते हैं, उन्हें समझते हैं। और आगे क्या कहा गया, एंड एज आई लिसन टू द पैटर्न ऑफ द रोनेट ऑफ द रूफ, मतलब जब वो उस पैटर्न को सुनते हैं तो उनका माइंड बहुत ही ज़्यादा सजग और खुश हो जाता है। तो वूफ को क्या मतलब है यहाँ पे, कपड़े बनाना। तो हम लोग कपड़े बनाते समय क्या करते हैं, बहुत सारे थ्रेड्स का, बहुत सारे चीज़ों का कलेक्शन करते हैं ताकि वो हमारे कपड़ों को पूरा कर सके, पूरे तरीके से उसकी बनावट हो सके। तो इसी वजह से कहा जा रहा है कि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें कलेक्ट करनी पड़ती हैं, जो हमें बनानी पड़ती हैं, इकट्ठा करनी पड़ती हैं, उनके ऊपर मेहनत करना पड़ता है और उसके बाद वो हमारे लिए कम्प्लीट होती हैं, राइट।
सो बेसिकली कोट्स किनी ने इसमें क्या बताया है, इस पोएम में उन्होंने सिंपली एक चीज़ बताई है कि हर एक इंसान को क्या करना होता है, स्ट्रगल करना होता है और अपने ड्रीम को पूरा करना होता है. सो बेसिकली द लास्ट पोएम, नाउ इन मेमोरी कम्स टू माय मदर एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगो, मतलब कह सकते हैं अब मेरी मदर की मतलब मेमोरीज पे मैं आता हूँ जो कि कुछ सालों पहले तक मेरे माइंड में थी और वो मेरे साथ थी. आगे ऐसी, हाँ, टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीम्स एरेस शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, मतलब आराम से उन्होंने क्या किया, अपने ड्रीम्स को छोड़ दिया. ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रोन, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मुझे देख रही हैं, इस वजह से मुझे इस टॉपिक पे रुक जाना चाहिए. विच आई प्लेड अपन द शिंगल्स बाय द पैटर्न ऑफ द प्रेम, मतलब उनका ये कहना था कि जो भी पैटर्न चल रहा है मैं उस पर अपनी मदर की चमकाहट को चमकता हुआ देख रहा हूँ, प्ले कर रहा हूँ. और सिंपली उनका ये कहना था कि जो उनकी मदर थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग पर्सनालिटी थी, वो अपनी चीज़ों को, ड्रीम्स को अचीव करना चाहती थी पर बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम्स, क्योंकि उन्हें स्किन प्रॉब्लम थी, इस वजह से जो भी उनको शिंगल्स थे वो उस वजह से उन्होंने अपने के सारे ड्रीम्स को छोड़ दिया. तो इसी वजह से कहा जा रहा है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें हर उन चीज़ों का पीछा करना चाहिए जो हमें लाइफ में चाहिए होती हैं, राइट. सो ये चीज़ें जो लिखी गई हैं कि बेसिकली हम सबके लिए लिखी गई है. रेन ऑन द रूफ इज नॉट जस्ट अबाउट द नरेटर, द किड स्किनी, नॉट अबाउट हिम, नॉट जस्ट अबाउट हिम, इट इज़ ऑल अबाउट अस, कि हम सबको लाइफ में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को एक एडमायर करना चाहिए, इमेजिन करना चाहिए कि वो एक बहुत अच्छी चीज़ है और हमें लाइफ में आगे बढ़ते रहना चाहिए. सो नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट सेगमेंट द नेक्स्ट वीडियो. सो थैंक यू ब्लॉस.